संगम नगरी प्रयागराज में शारदीय नवरात्र के मौके पर काली स्वांग परंपरा के तहत खूबसूरत नजारा देखने को मिला। हर साल देश विदेश से श्रद्धालु इस अनूठी परंपरा को देखने आते हैं। इस दौरान मां काली की वेशभूषा में कलाकार खोपड़ियों जैसी माला पहन सड़कों पर उतरते हैं। कहा जाता है कि ये रिवाज 200 साल से चला आ रहा है। पूरे विश्व में प्रयागराज में ही यह परंपरा है और ऐसा कहीं नहीं है। और मैं तो कहती हूँ कि विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं माँ काली का रौद्र रूप देखने के लिए, उनका प्राकट्य देखने के लिए। और जिस समय माँ काली की पूजा अर्चना की जाती है, जिस समय वो उनका उनके ऊपर माँ काली की सवारी आती है, वास्तव में लगता है कि साक्षात माँ काली हम सबके सामने प्रकट हुई हैं, खड़ी हैं और हम सबको दर्शन दे रही हैं। 200 वर्षों से अधिक से ये परंपरा चली आ रही है ऐसा बताते हैं पूर्वज लोग, और जो अभी वर्तमान में है लोग, वरिष्ठ लोग बताते हैं कि 200 वर्षों से अधिक ये परंपरा चली आ रही है। पूर्व से प्रकट होती हैं, साथ में भुजाली खप्पर आरती उनकी होती है और बराबर वो 3 दिन दारागंज में प्रयागराज में भव्य अपना लीला दिखाते हुए शरणार्थियों को, दर्शनार्थियों को, भक्तों को दर्शन देती हैं। ये परंपरा ये 200 वर्ष पुरानी परंपरा है प्रयागराज की। इस अनोखी परंपरा के लिए कलाकारों का सिलेक्शन प्रोसेस 6 महीने पहले शुरू हो जाता है। इसमें कलाकारों का सिलेक्शन करने के साथ उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। पात्र बनने के लिए कम से कम हमें 2 से 3 महीने पहले तैयारी करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, रनिंग फिजिकल वगैरह, और उसके बाद बनने के बाद कमेटी चयन करती है। चयन करने के बाद पात्र काली माँ का रूप धारण करते हैं, फिर उसके बाद जहाँ से श्रृंगार होता है वहाँ से बख्शी तिरमुहानी समाप्ति होती है। ये लगभग 5 दिन कार्यक्रम चलता है नवरात्र के 5ों दिन। कितने साल से निभा रहे हैं? मैं तो अभी चार साल से निभा रहा हूँ। प्रयागराज में इसे काली स्वांग के नाम से जाना जाता है। काली स्वांग में माँ सीता काली के परिधान में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के रथ के आगे भुजाली लेकर चलती हैं। इस दौरान खरदूषण वध किया जाता है। खरदूषण नाम के राक्षसों के वध का जिक्र पौराणिक कथाओं में भी मिलता है।